अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ मोहित पीजा इन यूनाइटेड स्टेट्स 25 सितंबर 2024 बुध के दिन को ख़त्म हुए बहुत घंटे बीत चुके हैं इस दिन में बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई गालिबा सबसे इंटरेस्टिंग और अहम मैं कहूंगा डेवलपमेंट है जो मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट्स है मेरे हिसाब से वो वो है जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जनाब ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आईएसपीआर को और पैमरा को शीद शर्मिंदा किया उनकी इस्लामाबाद में क्लास ले ली इस हवाले से कि किसने आपको ये कानूनी हैसियत दी है कि आप ये फैसला करें कि टेलीविजन प्रोग्राम्स में कौन से रिटायर्ड अफ़सर जो हैं वो अपीयर हो सकते हैं कमेंट करने के लिए कौन से अपीयर नहीं हो सकते हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है आपने इसके ऊपर बहुत से तबसरे अभी तक सुन लिए होंगे लेकिन जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ उसका अशर रशी भी आपने नहीं सुना मैं आपको अंदर की कहानी इसमें सुनाता हूँ बिकॉज मैं इसका एक बड़ा आई विटनेस हूँ कि किस तरह से ये सारी डिवेलपमेंट हुई और ये कोई ना तो अफवाज पाकिस्तान ने की ना ये डी जी ने की तो फिर आप सवाल पूछते हैं ये कोई फ़ौज की कोशिश नहीं थी कि आपने मीडिया स्पेस को कॉन्कर करना है अप्रैल दो में ये मामला बिल्कुल मुख्तलफ था लेकिन ये एक गलत मामला था जिससे बहुत सी गलतियां और बहुत सी खराबियां जो हैं पैदा हुई जिनका मैं तहसील से आपके सामने जिक्र करूंगा इस डिवेलपमेंट के अलावा भी डिवेलमेंट हुई हैं आई एम एफ के बोर्ड ने खड़े खड़े ऐसे ऐसे सात बिलियन डॉलर जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के पच्चीस तारीख को पाकिस्तान को सेंकशन कर दिए हालांकि पहले उनकी इस हवाले से बहुत सी रजिस्टेंस थी मैं आपको इसकी तफ़ीलत भी शेयर करता हूँ दूसरी तरफ से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क में मुंह छुपाते फिरते हैं छुप छुप के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजल रहमान मौलाना फजल उनके असूलों और उनके, उनके ख्याल में एक बार फिर हमें एक तब्दीली आते नजर आ रही है और जाहिर है इससे नसी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं कि अमरीकी सफ़ी जो है वो जब शाहबा नवाज शरीफ साहब को और मरीम को मिलता है डोनल्ड ब्रूम लाहौर जाके उसके फौरन चौबीस घंटे के बाद चीनी सफीर भी वहाँ जाके मिलता है ये क्या मामला है तो इन तमाम चीज़ों पर मैं कॉमेंट करूँगा और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया इसे सब्सक्राइब करें बेल आइकन पर क्लिक करें इसकी वीडियोज़ को शेयर करें पसंद आती है लाइक करें इसकी डिबेट में हिस्सा लें अब चलते हैं डिवेलपमेंट्स की तरफ मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इन तमाम सूरत हाल जो है ये सारी सूरत हाल के ऊपर मैं कमेंट करता हूँ और सबसे पहला जो मेरा कमेंट है उसका ताल्लुक है इस्लामाबाद कोर्ट के मुजस जस्टिस बाबर सत्तार और उनका जो इंटरेक्शन हुआ है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर और पैमरा के साथ और असिस्टेंट अटर्नी जनरल के साथ जिसमें मेरा कहना यह है कि बाबर सत्तार ने आई और पैमरा की क्लास ले ली जब उन्होंने पैमरा और आई से यह पूछा कि आई की कानूनी हैसियत स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या है कि आई एस पी आर पैमरा को यह कहे कि पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल पे कौन अपीयर हो सकता है कमेंट करने के लिए और कौन अपीयर नहीं हो सकता और पैमरा को उन्होंने ये भी कहा कि ये आप इसमें अपनी नोटिफिकेशन के अंदर नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरनिटी जो है इसका क्या मतलब है कि कोई शहरी वहाँ पर आके कामेंट करता है तो इससे नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरनटी को किस तरह से ख़तरा लाक होता है यह और बात है कि आपने देखा है कि गुजशत उनतीस जो महीने गुजरे हैं पाकिस्तान के उसमें हर चीज़ हर नोटिफिकेसन जो किसीफ़ी के ख़िलाफ़ इशू किया गया हो जो एफ़ काटी गई हो जो मीडिया के ऊपर लगाई हुई किसी जज को डराया गया हो अखबारों को चुप कराया गया हो सियासी वर्कर्स को टारगेट किया हो हर जगह इन्होंने लफ्ज ठोक दिए हैं नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरिटी ऑफ पाकिस्तान के लेकिन ये मामला है क्या और ये बाबर सत्तार साह तक कैसे पहुंचा अच्छा बाबर सत्तार की जो रेपूटेशन बन गई यही तो वजह है कि जस्टिस बाबर सत्तार को हटाने के लिए बाकायदा एक आईनी तरमीम की जा रही है कि किसी तरह से एक ऐसा लीगल इंस्ट्रूमेंट हुकूमत के हाथ में आ जाए कि जस्टिस बाबर सत्तार और उनकी तरह के जो चंद लोग हैं उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा के पेशावर में बनू में कोहाट में या कहीं कोयटा में उससे भी आगे कहीं पर फेंक दिया जाए और उसके बाद फिर कुछ और उनके साथ जो है वो किया जाए तो यही वो जरूरत है यही वो असूल पसंदी है जिसकी वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को मसलसल टारगेट किया जा रहा है लेकिन ये मामला क्या है जिस पर बाबर जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर इश्यू किया है और बुला लिया है मजीद तफसीत मांग ली है आई एस पी आर से और पैम से ये एक पिटिशन है जो कर्नल इनाम रहीम जो है कर्नल इनाम रहीम कर्नल इनाम रहीम साहब जो है जो रिटायर्ड कर्नल हैं जैक ब्रांच में काम करते थे उन्होंने ये पटिशन डाली हुई है मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पटिशन उन्होंने कब डाली है बिकॉज अप्रैल 2019 में आज से पाँच बरस कई महीने पहले पाँच बरस पाँच छः महीने पहले उन्हें कह दिया था कि हम पैमरा का ये जो नोटिफिकेशन है जिसमें ये कहा गया था कि एज़ पर दी एडवाइस ऑफ द आई सिर्फ वही अफसरान जो हैं रिटायर्ड अफसर जो हैं वो टेलीविजन चैनल्स पर आके डिफेंस और सिक्योरिटी के मामला के ऊपर कॉमेंट कर सकेंगे जिनको आई ने वेट किया होगा ये ्रूव किया होगा और इसके साथ ही आई ने आठ नौ लोगों की बाद में वह लिस्ट बढ़ती चली गई शुरू में कोई आठ नौ लोगों की एक अप्रूव्ड वेट लिस्ट जिसको पॉजिटिव लिस्ट कहते हैं वो लिस्ट आई ने इशू कर दी थी जिसमें चंद जनरल साहिबान थे और ब्रिगेडियर साहिबान थे और ये फैसला कर दिया था कि ब्रिगेडियर से नीचे के लेवल का कोई भी शख्स जो है वो टेलीविजन चैनल पर अपियर नहीं होगा तो कर्नल इनाम रहीम ने उसी वक्त कह दिया था कि मैं इसे हम चैलेंज करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ दी एक्स सर्विसमैन लीगल फोरम जिसको गालिबा वो हेड करते हैं और उन्होंने इस हिसाब से पाकिस्तान के इस पूरी लैंडस्केप और डिस्कोर्स के अंदर जहां उनके यानी उनकी रेलिवेंस बनती है मैं समझता हूं कि कर्नल इनाम रहीम ने बहुत पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट किया है ओवर द ईयर्स वो एक इंतहा ज़रूरतमंद बहदा शख्स हैं जिन्हें एक दफा उठा भी लिया गया था उन्हें एक कर लिया गया था पुराने पाकिस्तान के महाफज जो हैं उनको एक वाक करके ले गए थे ये पुराने जमाने की बात है कई साल पहले की बात है लेकिन जब कर्नल इनाम रहीम ने अप्रैल दो हज़ार उन्नीस में उन्होंने कहा था कि मैं ये पिटिशन लेके के आऊँगा हाईकोर्ट के सामने हम जाएंगे तो उस वक्त पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पी e. जो है उसने इनकी मुखालफत की और वो आई के साथ खड़े थे और उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज का जो तर्जुमान है वी एस पी आर है अंदाजा लगाएं कि आपने डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स पर बात करनी है तो आपको भी वहां पर फौज का एक जो है ना अप्रूवल चाहिए और फौज का तर्जुमान तो बहरहाल अब पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो है पी जो है वो अब खड़ी है पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन लीगल फोरम यानी कर्नल इनाम रहीम के साथ एक चेंज आई है किस स्टेज के ऊपर ये पटिशन फाइल हुई है क्यों ये इसका पहला ऑर्डर आया है ये मुझे इस स्टेज के ऊपर क्लियर नहीं है मैं इसकी मजीद क्लैरफिकेशन लेने की कोशिश है वो करूंगा लेकिन इसमें कुछ बहुत और भी बड़े दुखी और दर्दनाक किस्म के पहलू हैं ये कोई अफवाज पाकिस्तान की पाकिस्तान की आर्मी चीफ की ये डी जी आई एस पी आर की लंबी चौड़ी साजिश नहीं थी किसी का ये प्लान नहीं था कि आपने इस तरह से मीडिया स्पेस को अप्रैल दो हज़ार उन्नीस में कैप्चर करना है वो ख्वाहिश उनकी जरूर रही है लेकिन मैं भी आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो देता हूँ क्योंकि अब जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं तो फिर ये क्यों हुआ

जस्टिस बाबर सतार ने कह दिया है वहाँ पे असिस्टेंट अटर्नी जनरल को जब उनसे उन्होंने पूछा कि आप ये ज़रा बताएं कि आई एस पी आर स्कीम ऑफ थिंग्स में कहाँ फ़िट होता है तो जो असिस्टेंट अटर्नी जनरल साहब थे वो बेचारे उनके वो हालात थे कि काटो बदन तो लहू नहीं माई बाप मुझे क्या पता है ये मामला क्या है तो उन्होंने कहा जी मुझे वक्त दे दिया जाए मैं इसकी एक एक्सप्लेशन लेके आता हूँ और जस्टिस बाबर सतार ने यह कहा कि वो फाइल नोटिफिकेशन जिसकी बेसिस पे ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है वो फाइल कैसे इनिशिएट हुई उसको किसने प्रोसेस किया उसमें एडवाइस किसकी थी उस पर क्या डिस्कशन हुई वो सारी फाइल जो है वो मेरे सामने लेके आए लेकिन फाइल बेचारे क्या लेकर आएंगे जाहिर है कि अभी पूरी कहानी इनको बनानी पड़ेगी आई वालों को मैं आपको असल कहानी सुनाता हूं जहां से मामला शुरू हुआ देखिए मैंने कहा आपको कि ये कोई पाकिस्तान की फौज का या आर्मी चीफ का इवन डीजी आईएसपीआर का सोचा समझा मंसूबा और प्लान नहीं था अप्रैल 2019 में कि आपने मीडिया स्पेस को कैप्चर करना है और यहां पर इनको बहुत बड़ा खतरा जो है वो महसूस हो रहा था तो फिर ये कैसे हुआ ये सारी चीज़ का और ये जो कुछ हुआ ये इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो अगस्त बीस अगस्त दो को हुकूमत में आई थी तो अभी बाबुष्क उनको छः महीने गुजरे थे और इस स्टेज के ऊपर उनको इसको रोकना चाहिए था बिकॉज ये बिल्कुल मामूली सी चीज़ थी जिसको हुकूमत रोकने का मतलब ये नहीं होता कि आपने जाके ट्रक से टक्कर मारनी है बदतमीजी करनी है लड़ाई करनी है कोई आपने एक फड्डा बिल्डअप कर लेना है रोकने का मतलब है कि ये इतनी छोटी सी चीज थी जब ये की गई कि इस पर हुतमेशन मिनिस्टर अगर पैमरा और आई के साथ एक मीटिंग कर लेता और उन्हें समझाता कि यह ना करें इसके इसके गलत नतज निकलेंगे इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी वो इतनी यानी उनको इतनी उनको इतना शौक था हर चीज में फौज को अब्लाइज करने का कि उन्होंने मेरा ख्याल है इस इशू पे कभी सोचा ही नहीं कि ये कितनी गलत डायरेक्शन में एक चीज़ जो है वो जा रही अच्छा हुआ क्या अब आप मैंने खासा तजस् आपका बिल्डअप कर दिया हुआ ये कि 2019 के 2018 के आखिर से 2019 के आखिर में पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स ने बहुत से जूनियर अफसरान को जो रिटायर्ड कर्नल थे किसी एक स्टेज में शायद कोई मेजर भी होंगे एयरफोर्स के ऑफ़िसर्स थे उनको मुख्तलिफूज़ में जहाँ जहाँ उनको लगा कि कोई अच्छा बोल सकता है कि किने किसी ने किसी अखबार के अंदर ट्रिब्यून के अंदर नेशन के अंदर न्यूज़ के अंदर किसी ने कोई कॉलम लिखा तो उन्होंने उनको मुख्तफ इशूज़ के ऊपर लेना शुरू कर दिया और यूँ जो इनपुट था रिटायर्ड ऑफिसर्स का वो ज़्यादा वाइड हो गया और उससे पहले वहाँ पर चंद रिटायर्ड जनरल्स की और चंद रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स जो हैं उनकी चौधराहट थी फिर कुछ ऐसे वाक्य भी हुए कि एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्स आर्मी ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद एहसान जो है उन्होंने पीएचडी कर ली कराची यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में और पॉलिटिक्स के अंदर और उन्होंने अपने कॉलम लिखने शुरू उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर अब वो बाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे लाहौर के कॉलेजेस में पढ़ाते रहे और उन्होंने जो डॉक्टर एहसान है जो अब वो नहीं लिखते अपने नाम के साथ कर्नल तो डॉक्टर मोहम्मद एहसान जो हैं उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर बाकायदा अपना कॉलम लिखना शुरू कर दिया और मैं उनको अपने प्रोग्राम्स में बहुत रेगुलरली लेता था मैं अपने प्रोग्राम्स में जनरल साहिबान भी रिटायर्ड हैं उनको लेता था उसमें बड़े मशहूर मशहूर नाम है मैं नाम उनका लेना नहीं चाहता बिकॉज जो कुछ मैं कहूँगा उससे उनको बहुत जितनी एरोगेंस का मुजाहरा किया गया था उनको इस पर ही होगा और मैं उनके लिए कोई कोई इशू नहीं खड़ा करना चाहता लेकिन रिटायर्ड जनरल साहिबान भी थे और एयरफोर्स के भी एक बड़े ही रिस्पेक्टेड एयर वाइस मार्शल थे जिनको हम अपने प्रोग्राम से बहुत लिया करते थे एक इंस्टेंस ऐसा हुआ जिसमें कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर मोहम्मद एहसान और एक जनरल साहब के दरम्यान में टाखरा हो गया जहाँ कर्नल साहब ने चूंकि वो ज़्यादा आपको पता है पीएचडी करके एक बंदा आया तो उसने एक डिफरेंट ओपिनियन दी उसने एक डिफरेंट एंगल से उसी चीज़ पे बोला जनरल साहब ने कहना शुरू कर दिया तुम जूनियर हो तुम्हें कैसे हिम्मत हुई कि तुम मेरी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करो यही सूरत हाल एक और प्रोग्राम के अंदर ये जो एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल थे उनकी भी हुई डॉक्टर एहसान के साथ और उन्होंने कहा कि तुम जूनियर हो जूनियर लोगों को आना नहीं चाहिए तुम्हें टेलीविजन प्रोग्राम में बुला के इसने दिया उसके बाद ये जो जनरल साहब थे नाम वैसे मैंने जनरल साहब का ही सुना है एयरफोर्स वाले का मैंने सुना नहीं हो सकता उन्होंने भी किया इन्होंने जाके आई के अंदर जो ब्रिगेडियर साहिबान थे उस जमाने में जनरल गफूर जो हैं वो डी जी होते थे वो दिसंबर 2016 से जनवरी 2020 तक वो डी जी रहे और ये मामला है अप्रैल 2019 का जनरल गफूर को और बाकी ब्रिगेडियर्स को उन्होंने जाके केस बिल्डअप किया कि मीडिया के अंदर हर किस्म के जूनियर अफसरान आ रहे हैं कोई डेकोरम नहीं है जूनियर अफसरान सीनियर अफसरान जो है उनकी बातों को कॉन्ट्रीड्यूट करते हैं और एक पूरा डिसिप्लिन जो है ये अंदाजा लगाएं कि जो फौज का डिसिप्लिन है वो ये पाकिस्तान की सिविल स्पेस पर और पाकिस्तान के मीडिया में रिटायर हुए भी दस दस साल हो गए लेकिन वो बेसिकली अपना डेकोरम जो है उन्होंने वहाँ पर मेनटेन करना है मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ऐड कर दूँ कि मैंने बाद शादियाँ ऐसी देखी हैं जहाँ पे यानी फौज के जो जनरल साहिबान रिटायर्ड हैं या सर्विंग है उनके लिए एक अलग टेबल रखा जाता है उसको जनरल्स टेबल कहते हैं हेड टेबल और बाकी जितने भी अफसरान हैं जो मेजर जनरल से नीचे के हैं उनको अलग जगह पे खाना दिया जाता है तो वो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो यास वो एक कहानी पाकिस्तान की फौज के अफसर कल्चर में जो है वो बिल्कुल भी नहीं तो इन्होंने अपना केस जाके बिल्डअप किया कि जनाब ये एक लिस्ट आप इशू कर दें पॉजिटिव अब ये बड़ी अफसोस की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इन साफ़ की हुकूमत ने उस वक्त इनको रोका नहीं वो बिल्कुल रोक सकते थे ये कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी कोई इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी साजिश नहीं थी कोई सिविल मिलिट्री किस्म का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था लेकिन इसकी इम्प्लीकेशनस बहुत ज़्यादा थी इस नाचीज़ ने इस पर दो तीन दफ़ा डिस्कशन की मैंने इस पर जो 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 वहाँ पर रेलिवेंट सबसे ब्रिगेडियर थे उनको भी मैंने कहा कि आप और मेरा आर्गूमेंट ये था कि आपको अगर इशू करनी है लिस्ट आपको बहुत ही ख़ार है तो आप एक नेगेटिव लिस्ट इशू कर दें जैसे ट्रेड आइटम्स में नेगेटिव लिस्ट होती है नेगेटिव लिस्ट का मतलब है कि ये ये आइटम जो है ये ट्रेड नहीं हो सकते जैसे इस वक्त इन्होंने एक नेगेटिव लिस्ट इशू की हुई है मेरी डॉक्टर शहबाज गिल साबिर शाकर वजाह सईद शाहन से बाई साहब की कि ये लोग पाकिस्तान के किसी टेलीविजन मेन स्ट्रीम प्रोग्राम के अंदर अपियर नहीं हो सकते ये नेगेटिव लिस्ट है लेकिन नेगेटिव लिस्ट इतनी नेगेटिव और इतनी बुरी नहीं होती जितनी कि पॉजिटिव लिस्ट है पॉजिटिव लिस्ट ये होती है कि आप कहते हैं कि कोई भी अपीयर नहीं हो सकता सिर्फ ये पांच लोग अपीयर हो सकते हैं छः लोग अपीयर हो सकते हैं मैंने अब जब जनरल बाबर डी जी और बने तो

पाकिस्तान से जैसे अब हम देख रहे हैं गुजतर तीस महीनों में बिल्कुल यकसर मुख्तफ किस्म का पाकिस्तान था उसमें कहने सुनने की डिसग्री करने की डिसेंट करने की बहुत ज़्यादा आज़ादी थी और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत की और इमरान खान के मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन की ये बहुत बड़ी नाकामी है कि जो जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो स्टैंड ले सकते थे क्योंकि जब आप छोटी चीज़ों पर स्टैंड नहीं लेते तो फिर आप एक स्लपरी पाथ पे चले जाते हैं जिससे बाद में पाकिस्तान तहरीकानसाफ़ को और तमाम लोगों को इमरान खान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा आप चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ अब चूंकि डिफेंस एंड सिक्योरिटी मैटर्स की बात से छिड़ी गई है तो मैं एक छोटी सी चीज़ की क्लैरिफिकेशन दे दूं दो दिन पहले जब मैंने एक बाहर सड़क के किनारे से बैठ के एक प्रोग्राम किया तो मैंने उसमें कहा कि एक सीनियर कांग्रेसमैन जो लैंटोज कमीशन है ह्यूमन राइट्स का उसके और उनकी कांग्रेशनल टीम के साथ एक मीटिंग हुई जिसमें उनकी कांग्रेस की टीम के जो कांग्रेशनल एड थे वो बहुत बड़ी तादाद में शामिल थे तो उस मीटिंग के दरमियान में जब यह सवाल उठा कि गुजशतर अट्ठाईस उनतीस महीनों में पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हुई हैं और जिस तरह से चीज़ें खराब हुई हैं जो कुछ हुआ है शहीद अरशद शरीफ के कत्ल से लेकर आज तक उस पर डिपार्टमेंट स्टे, ऑफ स्टेट ने कहीं पर भी एक क्लियर वाज पोजिशन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं ली तो एक सीनियर कांग्रेस एड ये कहने लगी वो बोलिंग उन्होंने कहा कि मैं एक्सप्लेन करती हूं उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी को डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट रन कर ही नहीं रहा पाकिस्तान की पॉलिसी को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डी कहते हैं उसको अमरीका में इसको रन कर रहे हैं उसमें बहुत से लोगों के जहरों में बहुत से शक् या कन्फ्यूजन पैदा हो गई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किए हैं लिखा भी है कमेंट्स में कि इसका क्या मतलब है क्या मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाता ही नहीं है वो डील ही नहीं करता फिर ये क्या मामला है हम किसके पास जाएं रिकोर्स लेने के लिए तो मैं वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अन... के बारे में जो पोजिशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट लेता है वो सारी की सारी पोजिशन जो है वो उस एडवाइस के ऊपर कंटेंजेंट होती है जो एडवाइस या डिक्टेशन उनको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और वहां पर मतलब यह है कि पेंटागॉन का जो हिस्सा है ना सेंटकॉम सेंट्रल कमांड सो सेंट्रल कमांड ए क्शन सेट करता है कि आपको पाकिस्तान के साथ कैसे डील करना है जो जो चीज़ एड एड ने सीनियर एड ने सीनियर नहीं कही जो मैं इसमें मजीद ऐड कर देता हूं, वो है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सी आई ए तो ये दोनों मिलकर सी आई ए और सेंट कॉम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और बाइड एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं कि पाकिस्तान पर क्या पोजिशन जो है लेनी है और सी आई ए के हवाले से कह दूं कि इनके बड़े अच्छे तल्क हैं हमारे लोगों के मोहब्ब वतन लोगों के मुहाफ़ों के तो ये सी आई ए के जरिए ये भी जोर डाल रहे हैं गुजर कई महीनों से कि मेरी तरह के चंद गुस्ताख लोग जो यहाँ बैठे हैं इनके खिलाफ कोई केस बनाया जाए और इनके एक्स्ट्राडेशन जो है वो हमारे हवाले की जाए हम इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है आपके साथ बंद कर देंगे तो हो सकता है आपको अचानक खबर मिले कि हमने किसी लड़की को छेड़ दिया या कोई और ऐसी चीज़ कर दी है या कोई कोई पता नहीं केस बन जाए तो तोहन में रखिए कि ये उसके हवाले से हमारे जनरल साहिबान जो हैं वो लगे हुए हैं खास से महीनों से इन्होंने एक फाइल खोल के रखी हुई है मेरी और भी बहुत से लोगों की तो मैं उसको बताऊं अच्छा अब वो जो कांग्रेसनल एड थी उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडिशनल प्रॉब्लम है उन्होंने कहा एक तो फीडबैक सारा वहां से आता है एडिशनल प्रॉब्लम यह है कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के दर्मी में जो एक जियो स्ट्रेटिजिक राइवलरी और कॉम्पिटिशन है उस कॉम्पिटिशन की वजह से पाकिस्तान के बारे में बिकॉज उसमें एक खौफ आ जाता है कि इन सिक्योरिटी ज्यादा दबाव डालेंगे तो यह दूसरी तरफ दौड़ जाएंगे और एक तरह से आप समझें किम्स खेल रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं अब ब्लैकमेल की मजीद कहानी के कुछ पॉइंट्स में आपसे शेयर करता हूं क्योंकि तो जिक्र हो गया चीन और अमेरिका के दरमियान में पाकिस्तानी इस्टेबलिशमेंट या जी जो ब्रिंक्समैनशिप कर रहा है इन्हें दोनों तरफ तो खेलने की कोशिश कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि चंद दिन पहले बेखल हफ्ता दस दिन हुए हैं कि अमेरिकन जो पब्लिकेशन है ड्रॉप ड्रॉपसाइट उसमें रायन ग्रह और मुतज़ा हुसैन ने एक स्टोरी निकाली जो आप में से अक्सर लोग देख चुके हैं कि कैसे वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उनकी पोजेसन में हैं देखे हैं जहाँ पाकिस्तान ने चीन के साथ ये कमिटमेंट की हुई है कि वो गवादर में उनको एक नेवल बेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे स्टोरी के हवाले से मेरे जिन में बहुत से सवाल हैं पहला सवाल तो यह है कि ड्रॉप साइट आफ्टर ऑल बीइंग एन अमेरिकन पब्लिकेशन उनको ये डॉक्यूमेंट्स किसी ने पाकिस्तान से लीक करके दिए हैं या उनको ये डॉक्यूमेंट्स अमेरिकन इंटेलिजेंस ने दिखाए हैं ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तहम ये जो कुछ भी है से ऐसा लगता है कि दोनों तरफ खेलने की जो है वो पाकिस्तान की अगर ये बात सही है तो दोनों तरफ खेलने की कोशिश की जा रही है सही इसलिए कह रहा हूँ कि चीन और पाकिस्तान पाकिस्तान फॉरन ऑफिस ने भी और चाइनीज़ फ़ॉन ऑफिस दोनों ने इस स्टेटमेंट को कॉन्ट्रिक्ट किया अच्छा अभी जो तो डबल गेम है उसमें एक और चीज़ ऐड कर लें कि एक स्टोरी पाकिस्तान में चंद्र पहले छपी जिसमें कहा गया कि रशिया ने आ, ब्रिक्स के अंदर आ, जो ब्राज़ील रशिया इंडिया आ, इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीकन ब्लॉक है उसके अंदर पाकिस्तान की एंट्री को सपोर्ट करने का फैसला रूस ने किया है जहन में रखें कि हाल ही में चार ममालिक ब्रिक्स में ऐड हुए हैं जिसमें एक तो है इजिप्ट मिसर है एक ईरान है एक उसमें मुतहदा अरब इमारात जो यही है और एक उसके अंदर इथोपिया है और अफगानिस्तान ने भी दावा कर दिया है या उन्हें ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि हमें भी ब्रिक्स में शामिल किया जाए तो भरहाल ये ब्रिंक्समैनशिप उस हवाले से हो रही है अच्छा इसी ब्रिंक्समैनशिप का एक और पहलू देखें जब आप आए आई एम एफ़ की तरफ कि आज के दिन में ऐसे ऐसे करके आई एम के बोर्ड ने बिल्कुल एक क्विक रिसेशन करके जो सात बिलियन डॉलर की एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के पाकिस्तान को पैसे जो हैं वो दे दिए हैं जो गुज्तर कई हफ्तों से एजेंडा आइटम बन ही रहा बन ही नहीं रहा था ज़ाहिर पाकिस्तान के अखबार में लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने तमाम कंडिशनैलिटीज़ जो थी बारह बिलियन डॉलर रेस करने की फिर उसके बाद टू बिलियन डॉलर्स की मज़ीद गारंटीज़ देने की पूरी कर ली है ये और बात है कि जो लोग इससे फेमिलियर हैं पास्तान में वो कहते हैं कि ये जबानी ज़बानी बातें हैं असल में कोई कंडिशनैलिटीज़ नहीं मीट हुई और एफ बी आर ने जो टैक्सेस का अहदाफ पूरा करना था वो भी बिल्कुल नहीं हुआ और ये एक खालिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक पोलिटिकल डिसीजन आईएमएफ ने अब जहन में रखिए कि इस से सिर्फ चौबीस घंटे पहले पाकिस्तान ने आई एमएफ की वो कंडीशन मानी जहां स्पेशल पाकिस्तान ने फैसिलिटीज को विड्रॉ कर लिया ये ये स्पेशल जोन जो फेज टू का हिस्सा थे जहां नौ एस सी सीज बनने थे तो आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त रजीम है वो दोनों तरफ ब्रिंग्समैनशिप कर रहा है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी उनकी चीजें भी मान रहा है दूसरी तरफ चाइनीज को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है इसमें एक और इंटरेस्टिंग एड कर लें गुजा अड़तालीस घंटों में अड़तालीस या कह लें पचास साठ घंटों में जो दो डेवलपमेंट होती हैं कि अमरीका के सफी जो है इस्लाबाद में बेस्ड जनाब वो लाहौर जाते हैं किसी बहाने से और वहाँ जाके वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज के जानू तिलमस तय करते हैं खबर तो ये छपती है कि उन्होंने मौसम के हवाले से ट्रेड के हवाले से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और सेहत के हवाले से बातचीत की लेकिन ज़ाहिर है कि असल बातचीत थोड़ी मुख्तलिफ होगी और चीनियों को भी फौरी तौर पर होशियारी आई उसके अगले ही दिन चीन के एम्बैसडर पहुंचे उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब से मरीम नवाज से मुलाकात की और उन्होंने दोनों को चीन के दौरे के लिए भी बुलाया तो आपको एक इस तरह से एक सिचुएशन जो है वो डेवलप करते हुए भी नज़र आ रही है आई एम एफ के हवाले से मैं सिर्फ एक कामेंट ऐड कर दूँ कि पाकिस्तान के फॉर्म फोर्टी सेवन के वजीम जनाब शहबाज शरीफ साहब जो इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद हैं छुप छुप के होटलों से निकल रहे हैं क्योंकि रास्ते में पाकिस्तानी नज़र ना आ जाए मुझे सड़क के ऊपर उन्होंने आई एम एफ के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि ये जो आई एम एफ का पच्चीसवा प्रोग्राम है नाइनटीन फिफ्टी एट के बाद से इन शाह तला पाकिस्तान की तारीख का आखिरी आई एम एफ का प्रोग्राम जो है वो साबित होगा ये कितनी उन्होंने जाली और हवाई हवाई बात कर दी है वो इससे अंदाज़ा लगाएं कि पिछला जो फिस्कल साल पाकिस्तान का गुजरा है उसमें पाकिस्तान के एटी वन परसेंट इक्यासी फीसद जो टैक्स रेवेन्यू है वो जो एक्सटर्नल और इंटरनल डेट या कर्ज़ों की सर्विसिंग के अंदर यानी कर्जों के ऊपर जो सूद दे रहे हैं उस सूद की मद में इक्यासी फीसद एटी वन परसेंट पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू जो है वो खर्च हो गया ये किस तरह से आपका आखिरी आई प्रोग्राम होगा हम तो सारी उम्र आई के दर पर ही जो है वो बैठे रहेंगे अब आप सब की हरदल अजीज शख्सियत मौलाना फजल रहमान की तरफ चलने से पहले मैं छोटी सी एक चीज़ ऐड कर दूँ जहाँ मैंने नवाज़ शरीफ़ और उसकी डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी सफी की मुलाकात का जिक्र किया अब पी एम एल एन के सोसेज ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज का ड्राफ्ट वापस आ रहा है उसमें आर्टिकल आठ और आर्टिकल टू फोर्टी थ्री की जो अमेंडमेंट्स हैं उन्हें फिलहाल शेल्फ कर दिया जाएगा आर्टिकल टू फोर्टी थ्री की अमेंडमेंट्स वहीं जहाँ अफाज पाकिस्तान के जो ऑफिसर हैं उनकी एक्सटेंशन मुदत मुलाजमत वगैरह का भी उसमें ज़िक्र था याद है आपको कि एक मैंने कहा था कि एक सोर्स ने यह कहा है कि अमरीका के जो विजिटिंग एडिशनल सेक्रटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के वगैरह थे जो डोनल्ड डोनल डौन, लू के सीनियर हैं जिनको डोनल्ड लू रिपोर्ट करते हैं बैस उन्होंने जब इसक डार से मुलाकात की तो उन्होंने यही जो शिकें थी इसके हवाले से उन्होंने अपने तहफात का इजहार किया था और उसको इसाक डार साहब ने फिर नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ़ किया था और नवाज शरीफ साहब संडे की शाम को ही जो है वहाँ से रवाना हो गए ये अभी ज़ाहिर स्टोरी को हम कन्फर्म तो नहीं कर सकते लेकिन उसके बाद जो चीज़ हुई है कि वो शिक गुम हो गई है वो वापस नहीं आई इससे थोड़ा सा स्टोरी पर तकवीर पैदा होती अब आएँ आपकी हर, मशहूर हरदिल अजीज शख्सियत जना मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ मुझे कुछ दिन पहले जब मौलाना फजल रहमान ने असूलों का सहारा लेना शुरू किया और मौलाना एक असूल पसंद बन के आपके सामने आए और मैंने ये कहा कि मौलाना के सिर्फ मटेरियल इंटरेस्ट हैं मौलाना की मजबूरियाँ हैं मौलाना अपने इंटरेस्ट को देखेंगे तो बाकी बहुत से लोग आप से ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं 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 आप ये गलत बात कर रहे हैं मौलाना का दिमाग तब्दील हो चुका है मौलाना को सियासी चीज़ों की हकीकत समझ आ चुकी है मौलाना की नज़र जो है वो अगले आने वाले इलेक्शन में है तो मुझे भी थोड़ा सा परेशानी और धड़का होने लगा कि कहीं मेरा एनालिसिस गलत ना साबित हो जाए अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मौलाना रहमान ने मुझे मायूस बिल्कुल नहीं किया अब मौलाना ने जो आज के दिन में पच्चीस सितम्बर को सहाफ़ियों से मुलाकात करने के बाद मौलाना की मीडिया टीम ने एक स्टेटमेंट इशू की है और उस स्टेटमेंट में मौलाना ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज जो है वो कंसेंसस से आना चाहिए तमाम साइड्स के अब वो ये नहीं कह रहे कि स्टेज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज नहीं आना चाहिए ये रिटर्न स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर कंसेंसस पैदा करने की ज़रूरत है तमाम साइड्स को लेकर चलने की ज़रूरत है अच्छा दूसरी चीज़ मौलाना ने कही है कि जो आइनी कोर्ट है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट उसकी हम मुखालफत नहीं करते और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होनी चाहिए इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि मौलाना अब तरीके तरीके से अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहे हैं मौलाना पी एम एल एन के सोस मसलसल कह रहे थे कि हम मौलाना के साथ इन टच हैं मौलाना की टीम अपना एक ड्राफ़्ट बना रही है पी अपना ड्राफ़्ट बना रही है पी, -पी, -पी अपना ड्राफ्ट बना रही है और मौलाना ने देखना ये था कि मौलाना को एक फेस सेविंग चाहिए कि मौलाना कह सकें कि वो वाला ड्राफ़्ट मुझे मंजूर नहीं था ये वाला ड्राफ़्ट ठीक है लेकिन ये ड्राफ्ट ड्राफ्ट की कहानी ऐसे ही है बच्चों बच्चों की कहानी मीना बाजार की असल कहानी है कि मौलाना को ये एश्योरेंस चाहिए कि पी ने नेशनल असम्बली और सेनेट में नंबर उन्होंने पूरे कर लिए जब मौलाना को लगेगा कि नंबर पूरे कर लिए हैं और मैं खाई के क्रॉस छलांग लगा सकता हूं, तो मौलाना साइड स्विच कर लेंगे उसके लिए किसी भी किस्म का उज़र जो है वो मौलाना बना लेंगे अब सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना है ये मैं अगले वीलॉग के अंदर डिस्कस करूँगा अभी इतना ही फिर आपसे मुलाकात होती थैंक यू